वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूरिन इन्फेक्शन क्यों होता है, मूत्र त्याग करते समय इतना जलन क्यों होने लगता है अचानक से, या फिर आपको कई समय से इस तरह की समस्या है कि आपको जलन होती है, दर्द होता है, खिंचाव महसूस होता है, तो आज हम इसके कुछ कारण जानेंगे, इसके कुछ उपाय जानेंगे। यहाँ पर मैं दो उपाय बताऊंगी और दोनों उपाय करने के बाद आपको किसी भी प्रकार का यूरिन इन्फेक्शन हुआ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूले, नए दर्शक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन होता है उसे जरूर प्रेस कर लीजिए। यूरिन इन्फेक्शन की समस्या सबसे ज्यादा महिलाओं में पाई जाती है, पुरुषों में भी इस प्रकार की समस्याएं होती है लेकिन ये समस्या उनमें कम पाई जाती है। महिलाओं को इस प्रकार की समस्या होने के ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण आपके पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है और फिर मूत्र त्याग करते समय जलन महसूस होती है। हमारे शरीर के अंदर दो किडनी होती है, किडनी से ही जुड़ी हुई होती है हमारी पेशाब की थैली, के अंदर जो भी हम पानी पीते हैं वो फिल्टर होता है, खून को फिल्टर करती है किडनी और उसके बाद जो भी आपका मूत्र होता है वो एक पेशाब की थैली के अंदर इकट्ठा हो जाता है और फिर उस पेशाब की थैली से ही आपका मूत्र बाहर निकलता है। अगर आपकी मूत्र की थैली जो होती है पूरी तरह से भर जाती है तो फिर आपको मूत्र त्याग करना पड़ता है। लेकिन इसमें जलन होने के ऐसे कौन से कारण होते हैं, यूरिन इन्फेक्शन होने के सबसे बड़े कारण यही होते हैं कि अगर आपकी किडनी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है, अगर आपके पेशाब की थैली में किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो गया है, तो त्याग करने की जगह पर अगर आपकी साफ सफाई नहीं रही है तो इस प्रकार का संक्रमण हो चुका होता है। किसी व्यक्ति को पथरी की समस्या होती है तो भी इस प्रकार से जलन महसूस होगी, दर्द महसूस होगा और बिल्कुल कमर के नीचे के हिस्से में बिल्कुल टाइट महसूस होगा। कोई व्यक्ति मिर्च मसालों का प्रयोग ज्यादा करता है, खाने में तेल ज्यादा खाते हैं, जंक फूड को ज्यादा पसंद करते हैं तो उन लोगों को भी इस प्रकार की समस्या होने लगती है कि जब वो बाथरूम करने जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा जलन महसूस होगी, इस प्रकार का संक्रमण जो होता है उनको ज्यादा होता है। आप इस प्रकार के दर्द को, जलन को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो डॉक्टर आपका सारा सोनोग्राफी कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं या आपको ऐसी कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जो उस समय पर आपको काफी आराम पहुंचाए, लेकिन कुछ समय के बाद में ये समस्या वापस हो सकती है। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी प्रकार के टेबलेट्स वगैरह ज्यादा खाते हैं और फिर उनका साइड इफेक्ट होता है वो सबसे पहले किडनी पर ही पड़ता है। अगर आपकी किडनी में किसी भी प्रकार की दवाइयों का गलत प्रभाव पड़ रहा होता है तो भी आपके मूत्र में जलन हो सकती है। सारी महिलाएं और पुरुष इस प्रकार से होते हैं कि अगर उनको शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी होती है, दर्द होता है तो वो इस प्रकार से मेडिसिन लेते हैं और फिर उस मेडिसिन का जो प्रभाव होता है वो नेगेटिव होता है, किडनी के ऊपर पड़ता है जिसके कारण पेशाब में जलन महसूस हो सकती है। आप काफी लंबे समय तक कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उसका साइड इफेक्ट भी उस पर पड़ सकता है। आपके पेट में अल्सर बनने लग गया होता है तो भी आपको इस प्रकार की समस्या हो सकती है। इसीलिए जब भी आप मूत्र त्याग करने जाते हैं आपके पेशाब का कलर चेंज हो गया है, आपके पेशाब करते समय पे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है या फिर आपके पेड़ों में दर्द महसूस होता है, खिंचाव सा महसूस होता है या फिर आपके उस एरिया पर बिल्कुल कड़क सा टाइट फील होता है तो इस प्रकार की समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है। पेशाब में किसी भी प्रकार का संक्रमण हुआ है लेकिन हम उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर दो उपाय करेंगे, दोनों ही उपाय बहुत ही अच्छे है। अगर आप इनको कंटिन्यू करेंगे तो आपके पेट के अंदर बिल्कुल जलन नहीं होगी, आपको पेशाब में बिल्कुल जलन महसूस नहीं होगी, आपका यूरिन इन्फेक्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार की कोई समस्या होती है तो विटामिन सी से भरपूर वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ वो पूरी तरह से विटामिन से भरपूर है और इसे तो रोजाना ही खाना चाहिए। और जो उपाय है, पहला उपाय यही है विटामिन सी से भरपूर, जो कि है आंवला। यहाँ पर हम एक चम्मच आंवला लेंगे। सोते समय पर आप क्या करें, एक चम्मच आंवले का पाउडर ले सकते हैं, उसे आप थोड़ा सा शहद में मिक्स कर लीजिए और उसको आप चाट लीजिए या फिर चम्मच भर के इसे पी लीजिए, उस पर आप गर्म पानी पी लीजिए। अगर इस तरह से आप विटामिन सी से भरपूर आंवले का सेवन करते हैं तो आपके पेट में इस प्रकार की जलन नहीं होगी, आपके इस तरह मूत्र त्याग करते समय जलन जो हो रही थी वो धीरे धीरे करके बिल्कुल सही होने लगेगी, यूरिन इन्फेक्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं यहाँ पे दूसरा उपाय बता रही हूँ वो भी बिल्कुल रामबाण है। आपको लेना है थोड़ा सा गेहूं, गेहूं एक मुट्ठी भर के ले लेना है, उसे आपको रात को अच्छे से पानी में धो करके भिगो देना है, सुबह उसका सारा पानी आपको निचोड़ लेना है या फिर आप दोपहर में इस प्रकार से कर सकते हैं कि दोपहर में आप सुबह में भिगो दीजिए और 4-5 घंटे तक अच्छे से भिगो दीजिए, फिर उसका पानी अच्छे से निकाल लीजिए, पानी इसको मसल करके गेहूं को फिर निकालना है। तो आप जो पानी निकलेगा गेहूं का वो कैसा होगा, बिल्कुल दूध की तरह, उसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दे। फिर आपको क्या करना है, कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी रखना है और उसका जो पानी निकला है उस पानी को उसमें अच्छे से सेकना है।
घी के अंदर अगर आप गेहूं का पानी सेकेंगे जो दूध की तरह बन गया है, यानी कि आप एक मुट्ठी गेहूं लेंगे उसका एक कप पानी निकलेगा और उस पानी को आपको अच्छे से घी के अंदर सेक लेना है और उसमें थोड़ी सी मिश्री ऐड कर देनी है। वह हलवा अगर आप खाते हैं तो आपकी जड़ से ही इस बीमारी को आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से यूरिन इन्फेक्शन हो चुका है तो वह बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन उपाय आपको कम से कम 5-7 दिन कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको आराम मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इससे परेशान रहती है, इसके लिए बहुत सारा ट्रीटमेंट लेती है और बहुत सारे डॉक्टर के चक्कर काटती है, लेकिन उससे उसको कोई फायदा नहीं मिलता। यानी कि जब तक आप मेडिसिन लेते हो तब तक बिल्कुल सही रहते हो, लेकिन फिर वापस वही समस्या हो जाती है। लेकिन इस उपाय को करने के बाद आपको काफी आराम मिलेगा और आपके शरीर में अगर कमजोरी भी आ गई है उसके कारण तो बिल्कुल सही हो जाएगी। यूरिन इन्फेक्शन कोई सा भी हुआ है, आप इस उपाय को कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। उसी के साथ में आपके शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दे। नारियल पानी का सेवन आप जरूर करें, क्योंकि नारियल सबसे अच्छा मिनरल्स होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं जो कि आपको काफी डिटॉक्स करेंगे, आपकी बॉडी को बिल्कुल इम्यूनिटी को पावरफुल बना देंगे। इसीलिए आपको नारियल पानी का सेवन तब तक करना है जब तक कि मूत्र त्याग के समय जलन बिल्कुल बंद ना हो जाए। आपको ज्यादा परेशानी लगती है कि जैसे आप मूत्र त्याग कर रहे हैं उस समय पे ब्लड निकलने लग गया है, आपके पेड़ों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आपके सीने में तक बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है, आपके पेट में कई बार बहुत भयंकर दर्द होने लगा है, उल्टी जैसी कोई समस्या लगती है, तो आपको डॉक्टरी परामर्श जरूर लेना चाहिए। क्योंकि होम रेमेडीज तो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये सारे सिम्टम दिखते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये समस्या और दूसरी भी हो सकती है। क्योंकि कई बार हम लोग उपाय किसी चीज का कर रहे होते हैं और बीमारी कोई दूसरी निकल जाती है, इसीलिए सबसे पहले अपनी बीमारी को पहचाने, उसी के बाद उपाय अपनाएं। मैं सभी वीडियो में बताती हूँ कि योग सबसे बेस्ट होता है, तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन रहता है या आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, योग करने से आप उसे 95% सही कर सकते हैं। वैसे तो 100% उसी से ठीक हो जाती है, लेकिन लोगों की भ्रांतियां होती है, इसीलिए इनको थोड़ी देर ऐसे ही रखते हैं। तो इसीलिए आप योग करिए, योग करने से आप आपकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि आप कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं और कुछ ऐसी एक्सरसाइज करिए जो कि आपकी कमर की हो, ताकि आपके पेट के नीचे के हिस्से को भी काफी आराम पहुंच जाए। इसके साथ में आपको साफ सफाई का ख्याल रखना है, मिर्च मसालों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, आए तो उसे रोके नहीं, यानी कि तुरंत पेशाब करने के लिए जाए, इस पे समस्या बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो सबके साथ शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूले, या फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।